पुलिसकर्मियों ने, ये चार पुलिसकर्मियों ने दिक्कत की थी हमारे भाई बहनों छात्रों के साथ, जहाँ के छात्र के साथ, उनको भी निलंबित किया गया है। बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी को लेकर बवाल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने करीब 1000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही आक्रोशित छात्रों को मनाने की कमान खुद प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार ने संभाल ली है। बुधवार की शाम एसएसपी अजय कुमार छात्रों के बीच पहुंचे और भरोसा दिलाया कि बेगुनाह छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही एसएसपी अजय कुमार ने छात्रों को सचेत रहने की चेतावनी भी दी है। एसएसपी अजय कुमार ने कहा है कि जिन खुराफाती तत्वों ने शरारत की थी उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जिन पुलिसकर्मियों ने छात्रों के साथ बदसलूकी की थी उन्हें भी निलंबित किया जा रहा है। समय चल रहा है, उसके बारे में आपको सचेत करने में आया हूँ। जो मुकदमा लिखा गया है उसमें 3 खुराफाती लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिन 3 पुलिसकर्मियों ने, ये 4 पुलिसकर्मियों ने दिक्कत की थी हमारे भाई बहनों छात्रों के साथ, जहाँ के छात्र के साथ, उनको भी निलंबित किया गया है। उन पे भी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। आपको आश्वस्त करने आया हूँ कि मेरे लिए सभी बराबर हैं। मैं चाहता हूँ शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी हमारे भाई बहन छात्र को कोई बहकावे में न ले पाए। आपका भविष्य अच्छा हो, स्वर्णिम भविष्य के मालिक बने आप यहीं से सिलेक्ट होके जाए, जो आप लक्ष्य लेकर आए हैं उसमें सफल होकर जाए, अपने गांव और शहर लौटे, ताकि आपका नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं भी एक लक्ष्य लेकर आया था कि मुझे IIT का इंजीनियर बनना है। मैं इंजीनियर बना, मेरा सपना पूरा हुआ। उसके बाद मैंने विदेश में नौकरी की, 5-6 साल नौकरी करने के बाद फिर IPS की परीक्षा दिया, पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ और आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं यही का प्रोडक्ट हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब ने, वो मादा है, वो जज्बा है, वो कुव्वत है कि आप सब अच्छा कर सकते हैं। आप मेहनत करिए, समय का सदुपयोग करिए और जब सही समय आएगा, एग्जाम आएगा, उस घड़ी में आप बढ़िया परफॉर्मेंस दीजिए। आप सेलेक्ट होंगे, आपका परचम बुलंद होगा, आपका सिर ऊंचा होगा। मैं आपको ये शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। एक बार पुनः आपको सचेत करता हूँ भाइयों बहनों कि आप ऐसे शरारती तत्वों के, जो इस चुनाव के दौरान तमाम नेता उभर रहे हैं, छद्म नेता मैं कहूँगा, छद्म जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है वो नेता नहीं कहा जा सकता, वो छद्म नेता है। जो युवा शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो छद्म नेता है। ऐसे नेताओं से आप सावधान रहिएगा। जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको प्रॉमिस करके यहाँ पे जा रहा हूँ। पुलिस को यह अभद्रता करती है उसका रिपोर्ट हमको करें। 94-44-0-248 ये नंबर है SSP का, आप सीधे इस पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार पुनः सभी आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आपकी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गौरतलब है कि बिहार के कई जिलों की तरह प्रयागराज में भी मंगलवार को छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया था। छात्रों ने रेलवे ट्रैक जाम कर अपना विरोध जताया था, जिसके बाद पुलिस ने उनको खदेड़ कर जमकर लाठी चार्ज किया था। इसके बाद पुलिस का कहर उन बेकसूर छात्रों पर टूटा जिसमें उनका कोई कसूर नहीं था। उसी के बाद SSP छात्रों के बीच गए और अपनी बात रखी। कर्मियों ने, ये 4 पुलिसकर्मियों ने दिक्कत की थी हमारे भाई बहनों छात्रों के साथ, जहाँ के छात्र के साथ, उनको भी निलंबित किया गया है। उन पे भी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। आपको आश्वस्त करने आया हूँ कि मेरे लिए सभी बराबर हैं। मैं चाहता हूँ शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी हमारे भाई बहन छात्र को कोई बहकावे में न ले पाए। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।